and welcome back to my another video. I hope you all are doing great. My name is Aarti and हर बार मैं आपके साथ अपने घर से जुड़ी videos और कुछ अपना experience share करती रहती हूँ. तो आज भी इस video में मैं कुछ अपना gardening और घर से जुड़ी बातें आप सभी के साथ share करूँगी. और आप लोगों ने मेरे पिछले videos को बहुत प्यार दिया है, support किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये video भी पसंद आएगा, आप लोगों के लिए helpful रहेगा. पसंद आता है तो video को like ज़रूर कीजिएगा. मैं अभी एक लिक्विड तैयार कर रही हूँ और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ये लिक्विड मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी. देखिए, मैं गार्डनिंग मतलब यानी कि जो नर्सरी होती है ना, वहाँ पे गई थी तो मुझे वहाँ भैया ने ना ये लिक्विड दिया था एक. ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस लिक्विड के और इसको मैं यूज़ करती हूँ अधिकतर अपने प्लांट्स के लिए जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मैं ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ. तो कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसे हो गई कि मैं डेली अपने प्लांट्स की बहुत केयर करती हूँ, लेकिन न जाने किस रीज़न की वजह से ना ऐसा छोटा सा कीड़ा लग गया और स्पेशली मेरे इस प्लांट को ही ये लगा है, बाकी वाले प्लांट सभी सेफ हैं. तो मैंने सोचा कि आज इस सॉल्यूशन को क्यों ना तैयार किया जाए. और ये वाला जो प्लांट है ना, देखिए इस पर भी इस तरीके से ये पिंकिश हो गया है. तो इसमें भी यही कहना है नर्सरी वाले भैया का कि ये भी थोड़ा सा ना इफेक्टिव हो गया है कीड़े से. तो आज मैंने सोचा कि इन पे मैं स्प्रे क्यों ना कर दूँ. और स्प्रे करते टाइम पे ना मैं ऑलवेज़ अपने फेस को प्रॉपर तरीके से कवर कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाला जो स्प्रे है ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारे सेंसेस के लिए. तो इसको स्प्रे करने से पहले हमारी बॉडी जो है मतलब यानी कि स्पेशली फेस कवर होना चाहिए. और मैं इसको स्प्रे करने के बाद ना इमीडिएट बाथ लेती हूँ, इतना सा भी डिफरेंस जो है मैं उसमें गैप नहीं देती हूँ. तो ये अक्सर ज़रूरत पड़ने पे ही मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ घर की जितनी खाद वगैरह रहती है वो ही मैं अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ. और आज मैं जब देख रही थी, पानी वगैरह दिया प्लांट्स को, तो देखा कि जो ये वाला मेरा मनी प्लांट है ना, तो इसकी मतलब जो बेल है वो नीचे की तरफ फैल रही है. तो मैंने सोचा इसको भी प्रॉपर तरीके से ना ऊपर टाई कर देती हूँ ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सके. जब हम इंसान होके खुद की इतनी केयर करते हैं तो भला ये तो फिर भी प्लांट्स हैं. अगर हम इन प्लांट्स की प्रॉपर टाइम पे केयर करते रहें तो कोई भी प्लांट ऐसा हो नहीं सकता कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की कंडीशन में हो जाए. तो टाइम टू टाइम देखेंगे तो वो कभी भी प्रॉपर ख़राब ऐसे नहीं होंगे. और जब भी ड्राई लीव्स आपके मतलब प्लांट्स की नीचे गिर जाती हैं मिट्टी में और वो काफ़ी लंबे टाइम तक पड़ी रहती है ना, तो इस तरीके से वो फंगस में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो बेटर है जब भी आपके प्लांट्स में ड्राई लीव्स हो जाती हैं उनको उतार दीजिए, या फिर अगर नीचे प्लांट में पड़ी हैं तो उनको उठा के फेंक दीजिए. अदरवाइज़ वो फंगस में कन्वर्ट हो गई तो आपका सारा पेड़ जो है वो ख़राब हो सकता है. ये जड़े प्लांट मैंने एक प्लांट में से लगाया था, पता नहीं पानी के रीज़न से या किस रीज़न से ये पूरा झड़ गया है. अभी देखिए ये वाला मेरा मेन जड़ प्लांट है, इसमें से मैंने सारे निकाल निकाल के ना लगाए हुए हैं. यानी कि कुछ पौधे हमारी बालकनी में हमारी ग्रीनरी में ऐसे होते हैं जिनमें हम एक से अनेकों पौधे बना सकते हैं. तो इसी प्लांट में से मैंने देखिए यहाँ पे इस गमले में ये लगाया है, इस वाले पॉट में भी लगाया है और इस वाले में भी लगाया है. तो यानी कि काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं मैंने जड़ प्लांट के बनाए हुए हैं. ये प्लांट स्पेशली मुझे बहुत पसंद है. ऐसा बोला जाता है कि ये गुड लक प्लांट होता है, बट मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती. पर्सनली मुझे ये अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उस एक प्लांट से ना इतने सारे प्लांट बना दिए. ओनली यही जेट प्लांट नहीं होता है कि हम इसी से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं. काफ़ी प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे ये स्पाइडर प्लांट, ये भी मैं सिर्फ एक कली लेके आई थी जब मैं कहीं पे गई थी, मुझे वहाँ ये दिख गया तो मैंने उस एक कली से ही ना इतने सारे जो हैं ये वाले प्लांट्स बना दिए. और जब हम खुद ही फ्री में बना सकते हैं तो हमें फिर नर्सरी से लाने की क्या ज़रूरत है. और ये वाली जो बेल आप देख रहे हैं ना, ये भी एक ही थी और वो बहुत ड्राई हो चुकी थी जब मैं लेके आई थी, लेकिन फिर भी मैंने होप नहीं छोड़ी और मैंने इसको उगा डाला. और ये मनी प्लांट आप देख रहे हैं, ये भी एक मैगी के बाउल में है, कप में. और ये वाला प्लांटर मेरा सूख चुका है तो सोचा कि इसमें प्लांट कर देती हूँ कुछ. ये साइड पे हल्दी लगाई हुई है, विल सी कि ये ग्रो होती है या नहीं होती है. अच्छा, मुझे इस बेल का ना नाम नहीं मालूम, अगर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं. तो अभी सेम यही वाली बेल जो है मैं अपने इस प्लांटर में भी लगाने वाली हूँ.
कोई भी प्लांट हम लोग रिपोर्ट करते हैं ना जब, या फिर दोबारा लगाते हैं, तो उसको लगाते टाइम पे ना हमें ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो, और मिट्टी सॉफ्ट तभी होगी जब कंटिन्यूसली आप उसमें पानी देंगे। मेरा ये प्लांट ड्राई हो चुका था लेकिन मैंने फिर भी इसमें पानी देती रही ताकि मिट्टी सॉफ्ट रहे। और कोई भी बेल आप लगाने चलते हैं या प्लांट, तो उसकी जो ये स्टेम होती है ना उस पर लीव्स नहीं होनी चाहिए नीचे वाले पार्ट पे, अदरवाइज वो मिट्टी में मिक्स होके ना पूरा प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ें कुछ जो हमें रिपोर्टिंग करते टाइम पे या रिप्लांट करते टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए। अभी देखो मैंने लगा दिया है, उम्मीद है कि ये प्लांट अच्छा खिलेगा और इसका रिजल्ट जो है वो भी मैं आपको कोशिश करूंगी आगे वीडियो में अगर शेयर कर पाई तो जरूर करूंगी। तरीके से अपने प्लांट्स की जब आप केयर करना सीख जाएंगे ना तो आपका जो मन है वो खुद ब खुद लग जाएगा। चाहे आप घर में अकेले ही क्यों ना हो, आप अपनी ग्रीनरी अपने प्लांट्स के थ्रू अपना मन लगाना आसानी से जान जाएंगे। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जो ग्रीनरी है वो ही मेरा एक सहारा है एंड आई लव प्लांट्स। तो देखिए जितने भी मेरे ये इंस्ट्रूमेंट्स रहे यानी कि टूल्स रहते हैं ना उनको मैं स्पेशल किसी जगह पे नहीं रखती हूँ। यहाँ जो पाइप्स बने हुए हैं ना इसी पे मैं यहाँ साइड पे इनको हैंग कर देती हूँ, तो पर्टिकुलर स्पेस मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। स्पेस सेविंग भी देखिए यहाँ पे आराम से हो जाती है। बस कोशिश इतनी है कि हमें किसी भी काम को करने से पहले ना थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है, सोचना है कि उस काम को अगर हम ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब कोई भी अपना आइडिया जो है उस पर लगाएं। ये वाला काम मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था। डस्टबिन डेली सोचती थी आज वॉश करूंगी लेकिन अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं बेंट नहीं हो सकती थी और मैं ना ही इनको क्लीन कर पा रही थी। तो फिर आज मैंने सोचा कि बहुत गंदे हो गए हैं तो इनको ब्रश लेके ना मैंने इनके साइड से सारे इनके ब्लैकनेस जितनी भी थी वो रिमूव कर दी है और फिर से इनके ऊपर कवर डाल के मैं इनको रैप करके रख दूंगी। क्योंकि देखिए डस्टबिन भी हमारे घर का एक इम्पॉर्टेंट मतलब वाइटल रोल प्ले करते हैं, तो इनको क्लीन रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वॉशरूम्स को ना कितना भी क्लीन क्यों ना रख लीजिए लेकिन वहाँ ना एक अजीब सी स्मेल सी रहती है, ना जाने क्यों है वो स्मेल, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं ना काफ़ी टाइम से जो ये वाले हैंगिंग ओडोनिल्स होते हैं ना ये वाले यूज़ कर रही थी, आयर के होते हैं ये, तो इनको मैं यहाँ पे हैंग कर लिया करती थी। स्पेशल हुक वगैरह की ज़रूरत मुझे कभी नहीं पड़ी लेकिन इनका रिव्यूज़ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि लगाने के बाद ना एक या दो दिन तक ही इनकी फ्रेग्रेंस रहती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान आ गई थी और फिर मैंने सोचा कि जो पहले हम लोग ओडोनिल यूज़ किया करते थे ना पुराने टाइम पे, थोड़े मतलब ये लगा लीजिए 4-5 साल पहले आज से मैं ये वाला यूज़ किया करती थी तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, तो इसको हैंग करने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर बस आइडिया आया कि जो हमारी हॉट गन यानी कि हॉट ग्लू है उससे मैं इसको वॉल पे पेस्ट क्यों ना कर दूँ, क्योंकि ये ना विंडो के फ्रंट में होनी चाहिए जहाँ से एयर क्रॉस हो सके, तो ही इसकी जो स्मेल है यानी कि फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी आती है। और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था तभी मैंने अब ये दोबारा से शुरू किया है। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।